हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शाही टुकड़ा रेसिपी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। चलिए बनाना शुरू करते हैं अपने तरीके से। अब देखिए, हमने बर्तन ले लिया है, इसमें आधा लीटर दूध ले लिया है, जिसे अच्छे से बॉईल करेंगे ताकि दूध गाढ़ा हो जाए। अब इसे दूसरी साइड पर रख देंगे, जिससे दूध धीरे धीरे पकता रहे और गाढ़ा हो जाए। अब देखिए, हमने कढ़ाई ले ली है, जिसमें ब्रेड के पीसेस हमने पहले से ही कट कर लिए हैं। अब इसको एक एक करके ऑयल में ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए, एक एक करके हमने इसके पीसेस इसमें ऐड कर लिए हैं। अब इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे। देखिए इसकी साइड चेंज करती है, अब इसमें लाइट कलर आ गया है। ज़्यादा डार्क भी नहीं करने हैं, लाइट ही रखने हैं। ये देखिए, इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है। अब इसके हमने साइड को भी चेंज कर लिया है। इसके बाद हम सबको बाहर निकाल लेंगे प्लेट में। देखिए, काफ़ी अच्छा कलर आ गया है इन पे। अब इसके बाद हमने एक बाउल में चाशनी ली है, जो पहले से ही तैयार की हुई है। इसमें एक एक करके पीस ऐड कर लेंगे और इसको कुछ टाइम के लिए डिप रहने देंगे, जिससे इसमें चाशनी सेट हो जाए। अब ये देखिए, हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। इसके पीसेस को एक एक करके हम प्लेट में निकालेंगे और इसको एक एक करके सेट करेंगे, एक के ऊपर एक करके रखते जाएंगे। ये देखिए, एक के ऊपर करके हम सेट करते जा रहे हैं, जिससे देखने में काफ़ी खूबसूरत लगे। अब इसके बाद हमने जो रबड़ी बनाई है दूध की, उसे इसके ऊपर स्पून की मदद से इसके ऊपर हम लगाते जाएंगे। देखिए, रबड़ी बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है। इसको मैं ऐसे ही दोबारा रिपीटेड करती जाऊंगी। ये देखिए, हमारी रबड़ी इस पर अच्छे से सेट हो गई है। इसको ऊपर तक हम फैला लेंगे। देखिए, अब ये सेट हो चुकी है। इस पर कुछ इसके बाद मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ गरी का पराठा, जो थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है। साथ में ही इसमें बारीक कटे हुए काजू बादाम भी हम सजा लेंगे। देखिए, एक एक करके हमने इस पर काजू बादाम भी लगा लिया है। देखिए, अब तैयार है हमारा शाही टुकड़ा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।